अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्तों ऑल आर न्यू टू माय चैनल दिस इज मर्दीना खान। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई, और मुंबई का सफर हमने कैसे तय किया मैं अभी आपको बताती हूँ। यह वी गो, इनको प्यार कर रही है बहुत ज्यादा माँ से। चलो बाय। अरे उतरो, अरे जाओ, पैर में लग जाएगी, अरे जाओ, बाय बाय। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अरे मत जाओ, अरे मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ। बाहर ले जाओ मेरी बीवी बच्चे, मुझे ले जाओ। अरे अरे बाप रे बाप, मुझे ले जाओ। संभालो 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 आरजू, बाय बाय बाय। देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है अभी, बट ओहो इधर जो सामान है इसको भी सेट करेंगे। ये हमारा है, सब क्लीन है हमारा ही पूरा मेस है। कोई बात नहीं, अभी हम उसको सेट करेंगे। कैसी मुंह आ रही है, अल्लाह रो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। बिचारे बिचारे बेचारे लोग भाग रहे हैं। बाय बाय, पैर संभाल ले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय। बैग सेटिंग टाइम एंड क्राइंग टाइम भी चल रहा था अभी। वही ना, ये बस ये तो रोना आता है। एंड मोमेंट नहीं देखा जाता हमसे, एंड मोमेंट नहीं देखा बहुत याद आती है बस। यही प्यार जो ना नहीं मिलता है, जो प्यार है ना, प्यार बहुत है। जिंदगी ना भागम दौड़ की है, काम की है, लेकिन ये जो जिंदगी प्यार वाली वो नहीं, हर चीज मतलब पैसे से नहीं होती, प्यार होता है। प्यार मिला मुझे, क्यों बोले तुमने, सही बात बोले, हर चीज होनी, प्यार बहुत जरूरी है। कॉफी बहुत मजा आ रहा है। अब सफर हमारा शुरू हो गया। कॉफी एक कप, बम्बई का कॉफी के कप से। अब यहाँ की दुनिया थोड़ा नेस कॉफी दुनिया में जा रहा है। नेस कॉफी, नेस कैफे, नेस कॉफी। पेट पूजा टाइम। तो इसमें पानी बॉईल हो रहा है माजिन का, इसमें मिल्क पाउडर है, तो मैंने मिल्क और बिस्किट बनाया है माजिन के लिए, और मम्मी उसको ठंडा कर रहा है, काफी गर्म हो चुका है। शाम 7:30 बजे माजिन खेल रहा है अभी, प्लेइंग टाइम प्लेइंग टाइम। ये देखो माजिन को तो नींद ही नहीं आ रही है, और मेरे ऊपर कैसे खड़ा हो गया है माजिन। माजिन डांस कर रहा है अभी, माजिन चिक चिक। एक स्टेशन पे रुका है और बड़ी आवाज आ रही है, बच्ची रो रही है और कुछ झगड़ा हो रहा है शायद। उसकी मम्मी इसको बोल रही है, अल्लाह की बंदी चुप जा चुप जा, और वो चुप ही नहीं हो रही है। कौन सा स्टेशन आया तो बोलते पता नहीं, वही स्टेशन से तो चढ़े है। हाँ अल्लाह की बंदी तो चुप हुई नहीं, हमारे बंदे को उठा दी, हमारा बच्चा उड़ गया है अभी। माजिन बड़ी मुश्किल से सुलाया था मैंने, अब फिर सुलाना पड़ेगा। चॉकलेट खा रहे माजिन, और माजिन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं ये थर्मस में मैगी बनाने का ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी होता है कि नहीं। पानी मैंने डाल दिया अभी, मैंने मैगी डाल दी और थोड़ा सी बनाने का ट्राई कर रही हूँ, और फिर मसाला डाल। अभी तो मैंने ऐसे बोला है, पता ही गजाला गरम गरम हो रहा है, शायद बन जाएगा, थोड़ा और टाइम लगेगा। आवाजों से माजिन को नींद नहीं आ रही है, तो वो मॉम के साथ ABCD देख रहा है। ट्रेन में बैठे ऑलमोस्ट हो चुके हैं 8 आवर्स, और ये बच्चों की आवाज़ तो चुप ही नहीं हो रही है, और मुझे पूरा टाइम ऐसे बैंड होके बैठना पड़ रहा था।
सुबह के 8:40 हो चुके हैं और माजन फिर उठ चुका है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है। है तो ये एसी ट्रेन बट माजन को फ़ैन की आदत है तो उसको बहुत स्वेटिंग होती है और एसी भी बहुत माइल्ड थी। और ये कितना क्यूटली बैठे बैठे सो चुका है मेरे पैर पे। सुबह के 9:15 हो चुके हैं और मैंने देखा मेरी मम्मी का बहुत हेड पेन हो रहा था तो मैंने उनको हेड ऑयल दिया है जिससे पेन रिलीफ होता है। तो ये गर्मा गर्म ढोकले मिल रहे थे तो मेरी मॉम ने ऑर्डर किया है। माजन बहुत हंग्री था, अब हम दोनों को नींद तो मिली नहीं, अब भूख तो लगेगी तो मैं वापस से उसके लिए बिस्किट का फूड रेडी कर रही हूँ। इस ट्रेन की बेस्ट पार्ट सिर्फ यही थी कि विंडो खोलो तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसके अलावा मैं कभी ट्रेन में नहीं ट्रैवल करूँगी। इट्स टी टाइम। तो ब्यूटीफुल व्यू देखते देखते हमें भेल वाले भैया की आवाज़ आई तो हम उससे भेल ले रहे हैं। माजन क्या खा रहे? माजन ने आउटफिट भी चेंज कर दिया। माजन कुरमुरा खा रहा है। अच्छा है माजन? तो अभी है माजिन का फूड टाइम। करो अदरक की चाय टेस्ट करके पियो। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, हाथ से पैसे लेके जा रहा है मेरे से। नहीं मेरे को लगा ये आए चाय मुझे कैसली दिखी, मुझे सिर्फ कैसली दिखी, वो अगला आदमी लेके जा रहा है। पहला दस बोलो ना, आप तो बोलो टेस्ट करने दिए। अरे मैडम बोने क्या भी थी, पाँच रुपए दे दो ना। मेरे बच्चे तो उसमें चाय भी सर चाय। हाउ ब्यूटीफुल दिस सनसेट इज लुकिंग। तो हम लोग फ्रेश हो गए हैं और हाथ धो लिया है, थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप भी कर लिया है थोड़ा बहुत। मम्मी ने तो ज़्यादा किया है, सलीम जी से मिल रहे इसके लिए। क्या चीज़ सलीम खान के लिए रेडी है क्योंकि वो उनको लेने आ रहे हैं और हमारे शॉर तो आएंगे कल तो उन्हें टाइम है। पता ही नहीं चला कैसे इतना टाइम निकल गया। खाना वाना भी हमारा हो गया है, हमने गेहूँ खाया, मैगी खाया, चाय तो चार पाँच बार पी है। बस 2 घंटा है जाएंगे अपने घर। मेरा तो कोई वेट नहीं कर रहा है, मम्मी का ही वेट कर रहा है, मम्मी का और माजिन का। मेरे लिए तो कोई नहीं वेट कर रहा है मम्मी। माजन अभी सोया है और मैं भी अपना व्लॉग देखते देखते थोड़ा इमोशनल हो गई, सबकी याद आ रही है तो मैं भी 1 घंटे के लिए पावर नैप ले लेती हूँ। 1 घंटे में बस हमारा स्टेशन आने वाला है। 1 घंटा सोना था बट इतनी आवाज़ें हो रही कि मैं 15 मिनट्स भी नहीं सो पाई और पैकिंग चालू हो गई है। हाफ एन आवर बाकी है, अभी बोरिंग भी आने वाला है, उसके बाद बैंड आएगा और हमने 28 आवर्स कंप्लीट कर दिए हैं। बॉयज ऑन क्रेडिट बजे। माजिन तुमने बोला ये और देखते हैं इस बार हमें कौन कौन लेने आता है क्योंकि बैग तो काफी है, उठाने के लिए कोई चाहिए। बोरिवली आ गया है और आधे ऑलमोस्ट उतर चुके हैं और यहाँ पर खाली है तो जब तक मैं और मम्मी बैग यहाँ पर लेके आते हैं तो इजीली हम लोग उतार सकते हैं। बैग मैंने निकाल के रख दिया है ताकि निकालने में इजीली निकाल सके और वहाँ पर मेरे भाई बहन लोग आएंगे निकाल। देखो इतना सारा बैग मैंने लेके आई हूँ बाहर, बहुत ताकत है सलीम खान की बेटी में। सैंटा क्रूज आ चुका है, मैं सैंटा क्रूज नहीं उतर सकते, लास्ट स्टॉप बैंड्रा ही है और इतने सामान है तो लास्ट स्टॉप पे ही उतरना पड़ता है तो बस वेट कर रहे बैंड्रा आने का। ऑल सेट वेटिंग फॉर माय फैमिली टू मीट और एज यूजुअल सब माजिन और मॉम का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि मुझे मिल के कोई एक्साइटेड होता है। बैग्स आर
रेडी विथ मी, आई एम ऑल्सो रेडी, मम्मी माजेन और आलिया अंदर है, बस बैटरा आ चुका है। दो रूबी और साहिल को मैंने देख लिया है और हो गया सब बैग, मल्ली ना खाके निकाल लिए। अरे इतना प्यार माजेन, माजेन इतना प्यार छुप गया। चलो माजेन बोली थी ना, सब माजेन और मम्मी के लिए वेट कर रहे, मेरे लिए कोई नहीं वेट कर रहा, मेरे लिए कोई नहीं वेट कर रहा, हमें कोई प्यार ही नहीं करता, कोई नहीं लग रहा है, सिर्फ माजेन और मिल रहा है। बहुत ज्यादा बोलते हैं, कितना बोल गया, 1200 बोल रहे, 1200 बोल रहे, 500 वो फाइव इज इनफ, दे टेक ओनली दैट, चलो 600 ले लो, अब चलो चलो। 6 एंड अ हाफ आवर्स लेटर, थाउजेंड इयर्स लेटर, वो भी वाली है, 600 ले लो, अरे बड़ा है, अरे बड़ा है, अरे ₹700 में डन हो गया, बट वो आधे बैग ले रहा था तो वही फाइटिंग चालू है। One eternity later. फाइनली हम आ गए मुंबई, ऑलमोस्ट मतलब 25 डेज लगा हम लोग, ऑलमोस्ट मंथ के लिए। आपने हम लोग को मिस किया? हाँ बहुत मिस किया। दो आपने हमें मिस किया क्या? नहीं बहुत, मम्मी ने नहीं किया, झूठ बोल रहे, मैं बहुत मिस की, और बताया थोड़ी जाता मिस कर रहे, अंदर से मिस कर रहे। मम्मी सबसे ज्यादा सलीम खान को मिस कर रहे थे, सबको, अब्बा अब्बा ऑल मेरी फैमिली को, अब्बा टप्पा छप्पा कर रहे थे, मिस कर रहे हैं, पोपट मेरी बिल्लिया सबको मिस कर रहे हैं। आते साथ ही चिल्लाया मिट्टू, बाय गए, हां बाय बाय, सलीम खान को मिल ये ले, अब ये फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, ये माजेन। अम्मा 25 दिन के बाद कैसा लग रहा है तुमको अपने घर पे आके? अच्छा लग रहा है। हाँ तो मूड अपना आवाज ऐसा, भूख लग रही है उनके पेट में, खाना लग रहा है, भूख लग रही, खाना नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी, तो घर पे हम लोग आ गए हैं, सबके साथ बैठ के खाना भी खा लिए, अभी कुछ प्राइस मतलब जो जो सबके लिए लाए वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ओनली गर्ल्स है, बॉयज के लिए नहीं है, ओके, बॉयज के लिए नहीं लाई, अरे नहीं जगह है, झोला है, अभी झोला खुलेगा, नो 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 नो, 3 2 1 गो। सबसे पहले बहुत ही अच्छी चीज जो उधर काम आएगी, इधर पता नहीं काम आएगी, वो है सॉस। ब्लैक कलर का बहुत ही अच्छा लगा, मुझे क्यूट है ये, हाँ मैंने लेके आई हूँ, पहनी और फेंक भी दी, मुझे ही अच्छा लगा, मेरे को लगा यहाँ पर नहीं मिलता तो मैंने ये लिया, क्योंकि बैटरा एक्सप्लोर करना है, मैं एक्सप्लोर कर, सॉक्स अवार्ड मिलता है मेरे को।
ये रूबी के लिए जो कैमरा में नहीं आएगी, आती तो भी खाली ऐसे करके चली जाती हूँ। प्लीज कुछ और बताओ, सॉक्स सॉक्स वो भी जल्दी आ तो पहले चूज करने मिलेगा, पहले वो रूबी तो चूज करने का मौका मिलेगा हर चीज का। अच्छू इन तीनों से और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा शॉल है, चक्कर आ रही है मेरी मॉम के लिए। मॉम के लिए फैब्रिक फैब्रिक है, मुझे रेडीमेड है। ये सिर्फ एक ही चीज मैंने अपने लिए ली, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन की शादी है अभी रुखसर की, तो एक फंक्शन में मैं बना के पहनती हूँ। कैसा लगा? थ्री शॉल है, एक रूबी का मेरा है, मेरा आप चूज कर इसमें से कौन सा चाहिए। मैं ये लूंगी, मुझे चाहिए वो मैंने नहीं ली, ये लूंगी क्या। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सूट है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो एक रूबी का है, एक अज्जू का है, अज्जू देख खोल के कैसा लग रहा है, और ये रूबी का है। अच्छा है तो कश्मीर नहीं, बहुत ही क्लासी लगे। अच्छा है ये, देखो मम्मी कितना अच्छा है ये अज्जू के लिए। ये है अज्जू का जैकेट, पर मेरा तो ब्लैक था, नहीं मेरा बना। ये है फेमस गजक, इसको बोलते हैं, टेस्ट कराती हूँ। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। देखो कौन सी ये अच्छी है। अच्छी तू सब ले ले काम कर, क्योंकि हम दोनों शेयरिंग इज कैरिंग। हाँ तुम मेरे को दे दे क्या कपड़े पहनने, सूटकेस से पहनने पड़ते के तो ये चलता ही रहेगा, और मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। इसके लिए ब्लॉग अभी एंड करती हूँ, कल ब्लॉग दूसरा स्टार्ट करेंगे। गुरेश जी आ रहे हैं गोवा से, तो मैं उनसे मिलने वाली हूँ, सरप्राइज। तो अभी के लिए बस इतना ही, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सीना खान ब्लॉग में मुस्कान के लिए ये है, कितना अच्छा है। तुझे पहन के मेंढा वाला फीलिंग आ रही है।